सोल्यूशन प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, तो इसमें करीब करीब फ्रेंड्स आपको 100 प्रश्न का है जो सही सही मैं बताता हूँ फ्रेंड्स, इसके बाद बाकी जो प्रश्न रहेगा इसका फाइनल आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, तो ध्यान से देखते चलिए फ्रेंड्स, आप लोग मिलाते चलिए कितना आपका स्कोरिंग हो रहा है। ठीक है, हो सकता है कोई प्रश्न फ्रेंड्स जल्दी जल्दी में गलत भी हो सकता है, लेकिन इसका पूर्ण सोल्यूशन इसके बाद में कराऊंगा, अभी फिलहाल मिला लीजिए। अब चैनल पर पहली बार आए फ्रेंड्स तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए देखिए आज का प्रश्न पूछा गया था फ्रेंड्स कि मांस देखिए धुंधला दिखेगा प्रश्न फ्रेंड्स, तो आप लोग गौर से सुनते चलेगा, मांसपेशिया में दर्द के उपचार में उपयोग किया जाने वाला विकिरण कौन सा है? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, यूवी यानी कि अल्ट्रावायलेट किरण। सवाल नंबर दो पूछा गया था आपका कि दो समानांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध 1.403 किलो ओम है, यदि एक प्रतिरोधक का मान 2 किलो ओम है तो दूसरे प्रतिरोधक का मान क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर सोल्व करिए फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी आएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल है फ्रेंड्स कि गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है? तो देखिए गर्म करने पर अर्धचालक का प्रतिरोध घट जाता है। अगला सवाल आपका है फ्रेंड्स कि फैराडे स्थिरांक है, तो फैराडे स्थिरांक क्या है? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सार्वभौमिक स्थिरांक है फैराडे। अगला सवाल है फ्रेंड्स 9 नंबर, देखें कि प्लूटोनियम न्यूक्लाइड के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है? सोल्व करिए फ्रेंड्स, 148 बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। अगला सवाल को देखते हैं कि सबसे ज्यादा श्यानता होती है, तो सबसे ज्यादा श्यानता किसमें होती है फ्रेंड्स? आपका जो शहद में होती है, शहद गाढ़ा होता है फ्रेंड्स, आपका ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए सवाल नंबर 11 में देखिए पूछा गया था कि दूध किसका घटिया स्रोत है? तो देखिए विटामिन सी दूध में बिल्कुल नहीं पाया जाता, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल पूछा गया था फ्रेंड्स आपका कि पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर में क्या होता है? देखिए जो भेजा फ्रेंड्स ये गलत इनका आंसर है, इसका जो राइट आंसर होगा 12 का ए हो जाएगा। ठीक है, इसे गूगल में देख लिया फ्रेंड्स, पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल होगा, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, सवाल नंबर 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए सवाल नंबर 13 को देखते हैं, सवाल नंबर 13 आपका है फ्रेंड्स, सवाल नंबर 13 देखिए कि ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है? इसका भी देखिए इनका गलत आंसर मारे थे फ्रेंड्स, 13 का जो करेक्ट आंसर होगा जाइमेजा, इसको भी सर्च करके देख लिया फ्रेंड्स, ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा आपको बदला जाता है? तो जाइम इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है फ्रेंड्स कि चूने का पानी किसके द्वारा दुधिया हो जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, बिल्कुल राइट आंसर है, सी बी हो जाएगा। अगला सवाल को देखें कि पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होती है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, गलत मारे हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, जब अधूरा जलता है पेट्रोल डीजल तो कार्बन मोनोऑक्साइड मुख्य रूप से निकलता है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। सवाल नंबर 16 के देखें कि एक घोल का पीएच 3 से 6 बदलता है, इसमें एच आयन की सांद्रता कितनी होगी? इसका बारे में कंफर्म नहीं कर सकता फ्रेंड्स, लेकिन इन्होंने ऑप्शन नंबर डी मारा है। चलिए कितना 16 नंबर क्वेश्चन देखिए फिर 17 नंबर सवाल देखिए पूछा गया था, रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण को किस के द्वारा अलग किया जाता है? तो ये बिल्कुल सही है फ्रेंड्स, उद्रवपातन विधि, जैसे कपूर को गर्म करते हैं तो ये उद्रवपातन विधि क्या होता है कि जो आपको गर्म करने पर द्रव अवस्था बना करके डायरेक्ट वाष्प में बदल जाता है, तो ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। मैं फिर से कर रहा हूं फ्रेंड्स, इसका पूर्ण सॉल्यूशन और करेक्ट सॉल्यूशन और टोटल पेपर का मैं कराऊंगा, अभी जल्दी जल्दी मैं करवा देता हूं फ्रेंड्स। देखिए फिर पूछा गया था कि बेंजीन में सिग्मा और पाई का बंध कितना संख्या है? बिल्कुल राइट मारे हैं, 12 और 3 होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको करिएगा तो 4:1 क्या आता है? ठीक है, 3×12 आता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला सवाल पूछा गया था आपका फ्रेंड्स कि यूरिया में उपस्थित होने वाला तत्व कौन है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 20 को देखते हैं, सवाल नंबर 20 में पूछा गया था आपका निम्नलिखित में से कौन उष्मा का सबसे अधिक कुचालक है? उष्मा का अधिक कुचालक पूछा जा रहा है फ्रेंड्स, तो सबसे आपका शीशा है, जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपका पूछा गया था 21 नंबर सवाल को देखें, सवाल नंबर 21 में पूछा गया था विटामिन जो रक्त को थक्का बनाने में, तो विटामिन के बिल्कुल राइट आंसर है। सवाल नंबर 22 को देखिए, महिला सेक्स हार्मोन कौन? एस्ट्रोजन, बिल्कुल राइट आंसर है फ्रेंड, एस्ट्रोजन है जो महिला सेक्स हार्मोन है। अगला सवाल पूछा गया था कि पर्किंस बीमारी के उपचार के विकास के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया? इसका कंफर्म नहीं बता रहा हूं फ्रेंड्स, बाद में इसका सर्च करके बताऊंगा। इसको देखिए ऑप्शन ए तो ये मारे हैं अवार्डिस कार्लसन को। अगला सवाल पूछा गया था फिर थायराइड ग्रंथि की खराबी से किसकी कमी कारण होता है? तो आयोडीन की कमी से आपका थायराइड ग्रंथि खराबी होता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए सवाल नंबर 25 को देखिए, थोड़ा इसमें धुंधला दिखेगा फ्रेंड्स, गौर से सुनते चलेगा कि पता नहीं कड़वाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र कौन सा है? तो कड़वाहट किसे पता चलता है फ्रेंड्स? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नो का टिप से पता चलता है कड़वाहट। अगला सवाल पूछा गया था फ्रेंड्स कि अदरक तना है जड़ नहीं क्योंकि? अदरक तना है जड़ नहीं क्योंकि वह खाद्य सामग्री को संग्रहित करता है, इसमें नोड और इंट्रोड होते हैं, यह मिट्टी में क्षैतिज रूप से बढ़ता है, इसमें क्लोरोफिल की कमी होती है। इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर वह खाद्य सामग्री को संग्रहित करता है। ठीक है, ये बिल्कुल राइट आंसर है, 26 का ए हो जाएगा। देखिए आप लोग का क्वेश्चन उल्टा पुलटा होगा फ्रेंड्स, लेकिन आप दिए एग्जाम तो आपको पता चल जाएगा। अगला सवाल है कि निम्न में से मीठी चीनी, जी हाँ फ्रुक्टोज है जो सबसे मीठी चीनी है, फ्रुक्टोज इन्होंने मारा होगा, उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल पूछा गया था फ्रेंड्स, अगला सवाल आपका पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा एक सच्चा फल नहीं है? तो ट्रू फ्रूट के बारे में नहीं पूछा जा रहा है फ्रेंड्स, तो आपका सेब खजूर और मल ये सब है जो अंगूर, इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, जो अंगूर है जो आपका सच्चा फल के अंतर्गत नहीं आता है। चलिए अगला सवाल फ्रेंड्स 29 नंबर है कि कलियां अत्यधिक पौष्टिक होती है, फलियां अधिक पौष्टिक होती है क्योंकि उनमें प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? तो फल में अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है फ्रेंड्स? प्रोटीन पाया जाता है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें कुछ प्रश्न में हो सकता है मिस्टेक क्योंकि मैं अपनी तरफ से भी बता रहा हूं फ्रेंड्स, तो इसका नेक्स्ट सॉल्यूशन दूंगा फ्रेंड्स, उसमें बिल्कुल आप फिर से मिला लीजिएगा। डाउनलोड Amazon Prime Music today and listen to 70 million songs ad free. Listen on the go. Listen at अभी देख ले कि लौंग एक मसाला पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? तो फूल की कली, जी हाँ बिल्कुल राइट आंसर है, फूल की कली से प्राप्त होती है। अगला सवाल पूछा गया था कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा किसे वर्ष भारतीय महिला चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? इसका जो करेक्ट आंसर फ्रेंड्स कंफर्म नहीं बता सकते, मुझे नहीं याद, लेकिन उन्होंने डी मारा फ्रेंड्स, मिला लीजिएगा बी कल्पना को। अगला है कि आपका महिला एकल यूएसए ओपन टेनिस 2020 किसने जीता था? बिल्कुल सही मारे फ्रेंड्स, नाओमी ओसाका ने जीता, किसने? नाओमी ओसाका ने जीता है। सवाल नंबर 33 को देखिए, सवाल नंबर 33 आपका है कि 4 अक्टूबर 2020 में आयोजित लंदन मैराथन में प्रथम स्थान पर रहने वाला एथलीट कौन था? तो एलियट किपचोग, ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। सवाल नंबर 34 को देखिए, सवाल नंबर 34 से 15 अगस्त 2020 को एमएस धोनी के साथ किस भारतीय क्रिकेटर खिलाड़ी ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा किया था? सुरेश रैना ने, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल को देखते हैं 35 नंबर सवाल आपका है,
35 नंबर सवाल है फ्रेंड्स कि हाल ही में किसे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो बिल्कुल राइट आंसर है प्रेस रावल को नियुक्त किया गया फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का प्रमुख कौन है फ्रेंड्स, तो रक्षा एवं अनुसंधान का आपका हो जाएगा सतीश रेड्डी हो जाएगा, ठीक फ्रेंड्स डॉक्टर जी सतीश रेड्डी, बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सवाल पूछा गया था फ्रेंड्स कि किस विषय के लिए डॉक्टर बुसरा अतीक और डॉक्टर रितेश अग्रवाल का शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2020 में चुना गया, तो बहुत इंपॉर्टेंट है सवाल पूछा गया था फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी इसका गणित और विज्ञान में बिल्कुल राइट आंसर होगा, जिन्होंने गणित और विज्ञान में बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल पूछा गया था नोबेल शांति पुरस्कार 2020 के लिए किसे चुना गया है, तो नोबेल शांति तो आपको बिल्कुल आंसर है फ्रेंड्स, राइट आंसर विश्व खाद्य कार्यक्रम, इसको क्या कहते हैं फ्रेंड्स विश्व खाद्य कार्यक्रम को क्या कहते हैं, तो WFP, ठीक है फ्रेंड्स WFP यानी कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, इसी को है जो शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था फ्रेंड्स, मैंने बताया भी था करंट अफेयर्स में प्रश्न। चलिए फिर सवाल पूछा गया था आपका फ्रेंड्स कि किस भारतीय फिल्म अभिनेता को टाइम मैगजीन ने 2020 का सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया है, तो बिल्कुल राइट आंसर आयुष्मान खुराना इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपका पूछा गया था फ्रेंड्स कि हाल ही में किसने भारतीय समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के लिए अनुशासित किया है, कितने की किया है फ्रेंड्स, तो 8 इसका राइट आंसर बिल्कुल सही आंसर 8 को किया है। चलिए अगला सवाल पूछा गया था आपका फ्रेंड्स कि रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफर किस राजनीतिक दल से प्रारंभ किया था, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से, बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 42 में पूछा गया था फ्रेंड्स भारत में निर्वाचन आयोग ने कब बिहार विधानसभा 2020 के आम चुनाव के लिए प्रेस नोट जारी किया था, तो 23 सितंबर 2020 को, बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 43 को देखते हैं, सवाल नंबर 43 आपका है कि 21 सितंबर 2020 को बांडिया वीडियो सम्मेलन द्वारा किस राज्य पर घर का फाइबर योजना प्रारंभ की गई थी, तो बिहार, बिल्कुल राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, फाइबर योजना, ठीक है राज्य में घर तक फाइबर योजना का बिहार हो जाएगा। अगला सवाल पूछा गया था फ्रेंड्स कि बिहार के राजनीति स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार किस लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे, तो 10वीं लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे। अगला सवाल पूछा गया था फ्रेंड्स आपका कि कार्डिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग नामक एक अनौपचारिक युद्धनीति समूह का निम्न में से कौन सदस्य नहीं है, तो इसका जो देखिए मैं कंफर्म नहीं बता रहा हूं फ्रेंड्स, लेकिन उन्होंने चीन मारा फ्रेंड्स आप लोग इसका देख लीजिएगा। चलिए सवाल नंबर 46 को देखते हैं, सॉरी सवाल नंबर 46 पूछा गया, सितंबर 2020 में वीडियो सम्मेलन के माध्यम से ब्रिक्स के संस्कृति मंत्रियों की 5वीं बैठक में किसने भारतीय दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व किया था, इसका बिल्कुल राइट आंसर रमेश पोखरीवाल निशंक ने किया था, ठीक है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बीस का राइट आंसर है। देखिए क्वेश्चन दिखने रहा फ्रेंड्स ध्यान से सुनते चले समझ में आ जाएगा, आपका है कि जून 2020 में 36वां आसियान शिखर सम्मेलन वर्चुअली कहां आयोजित किया गया था, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा फ्रेंड्स आपका वियतनाम में। चलिए सवाल नंबर 48 को देखिए, सवाल नंबर 48 में से कौन सा ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 में प्रथम स्थान पर रहा था, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सिंगापुर प्रथम स्थान पर रहा था। अगला सवाल है फ्रेंड्स कि हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका में ऑपरेशन AMAGN संबंधित है, तो किससे संबंधित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी डोनाल्ड ट्रंप के पुनर्विचार अभियान से 49 का। चलिए अब सवाल नंबर 50 को देखते हैं, सवाल नंबर 50 आपका है फ्रेंड्स कि किस अरब देश ने पहला नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र प्रारंभ किया है, किस अरब देश ने पहला नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र प्रारंभ किया है, सवाल नंबर जो 50 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE, ठीक है फ्रेंड्स किसने UAE ने। अगला है फ्रेंड्स आपका कि इजराइल से शांति समझौता करने वाला पहला अरब देश कौन बना है, तो मिस्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा मिस्र। चलिए सवाल नंबर 52 को देखिए, अक्टूबर 2020 में जून 2021 तक के लिए किस देश का अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के संचालक मंडल का अध्यक्ष बनाया गया है, जिसे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भारत को बनाया गया है। सवाल नंबर 53 को देखें, सितंबर 2020 में प्रारंभ किया गया ऑपरेशन मेरी सहेली का उद्देश्य क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा गया था फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, रेलों में महिला यात्रियों की सुरक्षा को बढ़ावा देना, याद रखिएगा ऑपरेशन मेरी सहेली का उद्देश्य था आपको रेलवे में महिला यात्रियों की सुरक्षा को बढ़ावा देना। सवाल नंबर 54 को देखें, सवाल नंबर 54 है फ्रेंड्स आपका कि फिट इंडिया अभियान के पहली वर्षगांठ के अवसर पर फिटनेस की डोज आधा पंटा रोज मंत्र किसके द्वारा दिए गए थे, देखिए फ्रेंड्स इसमें मैं कंफर्म नहीं बता सकता हूं, लेकिन इसमें देखिए हमारे प्रधानमंत्री, ठीक है इसका नेक्स्ट वीडियो सोल्यूशन फ्रेंड्स उसमें मैं बताऊंगा, तो इसमें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मारे हैं फ्रेंड्स देख लीजिएगा। चलिए सवाल नंबर आपका 55 है, सवाल नंबर 55 है कि राजमाता विजय राजे सिंधिया के 100वें जन्म दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जारी किया, तो किस कितने के 50 रुपये के नोट 100 रुपये के नोट या तो इतना देखिए इसका भी कंफर्म नहीं बता रहा हूँ फ्रेंड्स, इसमें 50 रुपये का सिक्का जारी मारे हैं, ठीक है तो देख लीजिएगा। सवाल नंबर 56 को देखिए फ्रेंड्स कि किस राज्य की लघु वित्त चित्र ची लूपो ने दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2020 जीता, तो आपका मणिपुर करेक्ट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए। चलिए सवाल नंबर 56 हो गया फ्रेंड्स, सवाल नंबर 57 को देखिए, देखिए फ्रेंड्स सबसे पहले आपको मैं सॉल्यूशन प्रोवाइड करा रहा हूं फ्रेंड्स, जल्दी में हो सकता है कुछ मिस्टेक हो सकता है फ्रेंड्स, लेकिन इसका नेक्स्ट सॉल्यूशन में मैं आपको क्लियर से बताऊंगा। 57 सवाल है, किसने निजी क्षेत्र के बैंक ने किसानों के लिए ई किसान धन ऐप चालू किया है,
तो कौन सा बैंक ने किया फ्रेंड्स, तो एक्सिस बैंक ने किया, ऑप्शन नंबर ए जिसका राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 58 फ्रेंड्स, कि भारत ने किस शहर के अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सबसे पहले कोविड 19 परीक्षण की सुविधा प्रारंभ की थी, तो दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 59 को देखिए, राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट को किस वायुसेना स्टेशन पर औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना में सम्मिलित किया गया था, अंबाला, बिल्कुल राइट आंसर फ्रेंड्स, अंबाला में उतारा गया था राफेल को। अगला सवाल पूछा गया था, भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडियन मिसाइल का नाम क्या है, तो सक्षम नाम है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सक्षम जिन्होंने मारा है। चलिए सवाल नंबर 61 को देखते हैं, सवाल नंबर 61 है कि निम्न में से किस हड़प्पा नगर में जूते हुए खेतों के निशान मिले थे, तो जूते हुए खेतों के तो बिल्कुल राइट आंसर कालीबंगा में मिले थे फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर कालीबंगा जिन्होंने मारा उनका बिल्कुल राइट आंसर होगा। 62 नंबर सवाल में पूछा गया था फ्रेंड्स कि त्रिरत्न या तीन रत्न जैसे सटीक ज्ञान संबंधी आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किसे बौद्ध धर्म से संबंधित, बिल्कुल राइट आंसर फ्रेंड्स बौद्ध धर्म हो जाएगा। अगला सवाल पूछा गया था आपका कि इनमें से किस शासक ने चतुर्भुज बौद्ध संगीति कश्मीरी में आयोजित की थी, इसका जो देखिए क्लियर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका, कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का कुंडलवन में किया गया था, प्रथम जो आपको सबसे पहले प्रथम राजगृह में हुआ था फ्रेंड्स, किसके शासनकाल में हुए थे, तो आपका अकाक सबसे पहला हुआ था अजात शत्रु के, ठीक है, अजात शत्रु के शासनकाल में हुआ था, दूसरा हुआ कालाशोक में हुआ था फ्रेंड्स, तीसरा हुआ था अशोक में, चौथा हुआ था जो कनिष्क के शासनकाल में था, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपको हो गया फिर सवाल नंबर 63 हो गया, सवाल नंबर 64 को देखें, सवाल नंबर 64 आपका है कि निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, ठीक है फ्रेंड्स, एक मिनट यहाँ पर थोड़ा क्लियर नहीं पता चल रहा है फ्रेंड्स, जी हाँ, निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, तो वैश्विक, ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, वैश्विक इसका करेक्ट आंसर होगा बिल्कुल। 65 नंबर सवाल को देखिए कि किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त और लौह नीति, तो रक्त और लौह नीति किसने अपनाया था, बलबन ने, बिल्कुल राइट आंसर है फ्रेंड्स। 66 को देखें, कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था, तो स्थानीय प्रशासन के लिए सभी जानते हैं चोल था, जो बिल्कुल राइट आंसर हो गया फ्रेंड्स, चोल है स्थानीय प्रशासन के लिए जाना जाता है। चलिए सवाल नंबर 67 को देखते हैं, सवाल नंबर 67 है कि परचिकनर पिच जुआ निम्न में से किससे संबंधित है, तो देखिए फ्रेंड्स इसका तो मुझे कंफर्म नहीं पता लेकिन इनका राइट आंसर हमारा है प्राचीनकारी, यानी पता नहीं चल रहा है फ्रेंड्स प्राचीनकारी का कैसा है, तो दीवारों में अर्ध कीमती पत्थर जड़कर फूलों का नक्शा करना इससे संबंधित है। सवाल में पूछा गया था 68 में आपका फ्रेंड्स कि किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कनाई बनाए थे, इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा जहांगीर का जो शासनकाल था फ्रेंड्स वो आपका चित्रकारी के लिए जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 69 नंबर सवाल देखिए फ्रेंड्स, बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू किया गया था, तो बंगाल में जो द्वैध शासन लागू किया गया था फ्रेंड्स आपका रॉबर्ट क्लाइव के, देखिए गलत मारे हैं ठीक है फ्रेंड्स, आपका रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा बंगाल में द्वैध शासन का लागू किया गया था, वारन हेस्टिंग्स गलत हो जाएगा ठीक है फ्रेंड्स, रॉबर्ट क्लाइव इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए 69 हो गया फिर, सवाल नंबर 70 को देखें, सवाल नंबर 70 आपका है कि इनमें से किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म में लिया था विवेकानंद, बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन आपका शिकागो में जो सम्मेलन हुआ था 1893 में विवेकानंद उसमें भाग लिया था। 71 नंबर सवाल को देखें, 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था, तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन 1923 में। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण जिसे, तो नील दर्पण दीनबंधु मित्र किसने लिखा फ्रेंड्स, सिंपल है ठीक है, नील दर्पण जिसे इंडिगो की खेती कराने किसानों के दमन चित्रण किया गया है, तो इसमें दीनबंधु मित्र लिखा नील दर्पण का। चलिए सवाल नंबर देखिए, क्वेश्चन मोटा मोटी ठीक था, बढ़िया था फ्रेंड्स, जो पूरा सिलेबस कवर करके गया, अच्छा स्कोरिंग किया उनका होना चाहिए रियल। अगला 1760 के फ्रांस का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसको लड़ाया था, देखिए वांडीवास की लड़ाई आपका फ्रांस और अंग्रेज के बीच में लड़ा गया था फ्रेंड्स, जिसमें आपका अंग्रेजों की जीत हुआ था, ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल राइट आंसर फ्रांसीसी हो जाएगा। अगला सवाल पूछा गया था आपका, निम्न में से किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचन मंडल का गठन किया था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1909 का नियम, बिल्कुल राइट आंसर फ्रेंड्स आपका भारत परिषद अधिनियम 1909 इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, पृथक निर्वाचन के लिए जाना जाता है। चलिए सवाल नंबर 76 हो गया, 75 को देखिए फ्रेंड्स, 75 का है आपका कि 1831 में बुद्धो भगत नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था, बिल्कुल राइट आंसर सिंहभूम में हुआ था फ्रेंड्स। अगला सवाल आपका है कि बिहार में 1857 के विद्रोह के नेतृत्व किसने किया था, तो किसने किया था नेतृत्व बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो कुंवर सिंह ने, बिल्कुल राइट आंसर हो गया फ्रेंड्स आपका 76 का। चलिए सवाल नंबर 77 को देखते हैं, सवाल नंबर 77 आपका है फ्रेंड्स कि चंपारण में इंडिगो ने किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया था फ्रेंड्स, बिल्कुल आंसर है वहां राजकुमार शुक्ल, वहां के किसान थे जिन्हें की आग्रह पर महात्मा गांधी ने चंपारण गए थे और वहां से 1917 ईस्वी में पहला सत्याग्रह का आरंभ किए थे। महात्मा गांधी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे फ्रेंड्स, राजकुमार शुक्ल के कहने पर ही वहां पर तिनकठिया पद्धति के विरुद्ध आपका चंपारण सत्याग्रह आंदोलन शुरू किए थे। सवाल नंबर 78 को देखिए, प्राचीन महाजन पद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी, तो मगध की राजधानी प्रथम कौन सी थी फ्रेंड्स, तो आपका इसमें तो देखिए थोड़ा इसमें मुझे कंफ्यूजन हो रहा है फ्रेंड्स, पाटलिपुत्र मारे हैं ठीक है, प्रथम राजधानी पूछ रहे तो पाटलिपुत्र इसमें बता रहे हैं फ्रेंड्स ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल से मगध की प्रथम राजधानी आपको कंफर्म इसमें नहीं बता सकता हूं, फिर नेक्स्ट वीडियो में इसका मैं बताऊंगा। अगला सवाल को देखिए फ्रेंड्स कि स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित थे, तो किससे संबंधित थे फ्रेंड्स, आपको इसका जो राइट आंसर हो जाए स्वामी सहजानंद सरस्वती, तो आपको किसान आंदोलन से संबंधित थे, बिहार में किसान आंदोलन, ऑप्शन बिहार में जनजातीय आंदोलन, बिहार में मजदूर आंदोलन, बिहार में किसान आंदोलन, बिहार में जाति आंदोलन, यानी उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, जिन्होंने 79 का डी मारे बिल्कुल राइट आंसर होगा, सभी से संबंधित था क्योंकि आपका किसान आंदोलन भी 1936 में किए थे, इसका अध्यक्ष पहला सत्र के अध्यक्ष ही थे ठीक है, स्वामी आपका सजानंद सरस्वती हैं। चलिए फिर पूछा गया था आपका फ्रेंड्स 80 नंबर सवाल देखिए कि निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था, तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स आपका करा निम्न से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था, चंपारण हो जाएगा था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन इसमें देखिए थोड़ा कंफ्यूजन अलग से लग रहा है फ्रेंड्स, तो आपका चंपारण तो इनका पहला सत्याग्रह आंदोलन था, इसमें इन्होंने खेड़ा मारा है फ्रेंड्स ठीक है, तो इसका पहला सत्याग्रह पूछा जाए तो फ्रेंड्स आपका चंपारण हो जाएगा ठीक है, इसका मैं बाद में बताऊंगा फ्रेंड्स। अगला सवाल पूछा गया था भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है,
तो भौगोलिक दृष्टि से सबसे कौन सा है फ्रेंड्स इसका, तो इसका होनसू होना चाहिए फ्रेंड्स, लेकिन हमारा इसका कंफर्म आंसर 81 का राइट आंसर आपका होनसू होना चाहिए फ्रेंड्स, ये आपका गलत हो जाएगा। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो होनसू द्वीप, ये कंफर्म है फ्रेंड्स, जान ले। 81 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा होनसू, ठीक है, इनका गलत हो गया है। अगला सवाल है फ्रेंड्स आपका कि ग्रीनलैंड निम्न देश में से किस देश का भाग है, तो ग्रीनलैंड बिल्कुल राइट माने फ्रेंड्स, 82 का आपका डेनमार्क का भाग है। अगला सवाल है 83 का फ्रेंड्स कि 2018 के तक के अनुसार विश्व के निम्न देशों में किस देश में सबसे अधिक भारतीय आबादी है, इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त राज्य अमेरिका, बिल्कुल राइट आंसर है। दिसंबर 2018 तक के अनुसार विश्व में के निम्न देशों में किस देश में सबसे अधिक भारतीय आबादी है, तो आपका अमेरिका में है फ्रेंड्स, संयुक्त राज्य अमेरिका में, कितना तो 60 लाख है, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 84 को देखते हैं फ्रेंड्स, सवाल नंबर 84 आपका यहां पर फ्रेंड्स कि निम्न देशों में से किस देश में 2019 में सालाना सबसे अधिक सोने का उत्पादन होता है, सबसे ज्यादा सोना आपका सालाना पूछा जा रहा है फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर आपका ऑस्ट्रेलिया मारा है फ्रेंड्स, कंफर्म नहीं बता रहे लेकिन इन्होंने ऑस्ट्रेलिया मारा है। चलिए सवाल नंबर 85 को देखते हैं, सवाल नंबर आपका 85, निम्न में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स, एशिया होगा, ठीक है, एशिया में सबसे ज्यादा देश है, सॉरी एशिया नहीं होगा फ्रेंड्स, अफ्रीका में होगा, 86 का आपका अफ्रीका होगा, आपका इनका गलत हो गया फ्रेंड्स, निम्न में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है, तो अफ्रीका इसका राइट आंसर होगा, गूगल में देख लिया फ्रेंड्स आपका अफ्रीका ही बिल्कुल राइट आंसर होगा, 85 का आपका सी होगा, ठीक है। 86 नंबर सवाल आपका फ्रेंड्स, 86 नंबर सवाल पूछा है, 2011 का जनगणना अनुसार भारत के किस राज्य का आदिवासियों की आबादी प्रतिशत उसकी कुल आबादी की तुलना में सबसे अधिक था, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मिजोरम। चलिए सवाल पूछा है 87 पूछा गया था, निम्न कॉफी उत्पादन क्षेत्र में कौन सा क्षेत्र कर्नाटक में नहीं है, कर्नाटक में कौन नहीं है, कर्नाटक में आपका कौन नहीं है, तो इसका कंफर्म नहीं बता रहा फ्रेंड्स, बाद में मैं बताता हूं। हाँ फ्रेंड्स, तो सवाल नंबर 87 को देखिए, निम्न कॉफी उत्पाद क्षेत्र में कौन सा क्षेत्र कर्नाटक में नहीं है, तो देखिए फ्रेंड्स इसका कंफर्म नहीं पता है, इसको अगला वीडियो में देखेंगे। 88 में फ्रेंड्स, भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में कौन सा जिला सबसे बड़ा है, ये बिल्कुल राइट आंसर फ्रेंड्स ले है, जो बिल्कुल राइट आंसर, इसका गूगल पर सर्च करके देख लिया कि भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से ले है जो आपको सबसे बड़ा जिला हो गया है। चलिए सवाल नंबर 89 को, सवाल नंबर कितना 88 हो गया फ्रेंड्स, देखिए कुछ यहाँ पर मिस हुआ आपका प्रश्न, तो अगला मैं टोटल सोल्यूशन दूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए यहाँ पर 95 नंबर सवाल है फ्रेंड्स, उद्योग और स्थान के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स आपका रेल डिब्बा और अभियंत्रिकी भागलपुर, ये है जो आपका गलत है, बाकी आपका ये सब सही है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 96 को देखें, बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में ही पिंडामेंट स्वयं मिट्टी पाई जाती है, ठीक है, तो देखिए इसका भी कंफर्म नहीं है, तो पश्चिम बंगाल मारे फ्रेंड्स, कंफर्म से पता नहीं है। 97 को देखिए, 97 के बिहार में निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़ों से गंगा नदी नहीं